हेलो दोस्तों, आज मैं बनाने वाली हूँ चॉकलेट बर्फ़ी। दिवाली और त्योहारों के मौके पर ये चॉकलेट बर्फ़ी बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम इजी रेसिपी है। बिना घंटों मेहनत किए हम 10 मिनट के अंदर ये बर्फ़ी बनाकर रेडी कर सकते हैं। बच्चे हों या बड़े, सभी को बहुत पसंद आती है ये बर्फ़ी। तो ये बर्फ़ी ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी। इसमें मावा या चाशनी बनाने का भी कोई झंझट नहीं है, बिल्कुल इंस्टेंटली ये बर्फ़ी बन जाती है। तो आइए शुरू करते हैं बनाना चॉकलेट बर्फ़ी। तो चॉकलेट बर्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कंटेनर को ग्रीस करके रेडी कर लेंगे। आप थाली या कोई भी इस टाइप का कंटेनर ले सकते हैं। तो इसे मैं घी से अच्छी तरह से ब्रश से ग्रीस कर लूँगी और इसमें मैं लगा लूँगी एक बटर पेपर। बटर पेपर से जो बर्फ़ी है इस कंटेनर में चिपकेगी नहीं और उसे निकालना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो ये देखिए, बटर पेपर मैंने लगा लिया है इस कंटेनर में। और अब मैं इसमें थोड़ा सा डाल दूँगी कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने यहाँ पर आलमंड्स और पिस्ता लिया है, इसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। देखिए हमारा जो कंटेनर है रेडी हो गया, इसे साइड में रखेंगे। और आइए अब हम चलते हैं बर्फ़ी बनाने की तरफ। तो अब हम बर्फ़ी का मिक्सचर बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे पैन रख दिया है एक गर्म होने के लिए। इसमें लिया है 2 टेबलस्पून घी। इसमें डालेंगे 1/2 कप दूध और अब हम इसमें डालेंगे 2 कप मिल्क पाउडर। यहाँ हमें मिल्क पाउडर यूज़ करना है, डेरी वाइटनर यूज़ नहीं करना है। बाज़ार में बहुत सारे मिल्क पाउडर के ब्रांड्स अवेलेबल हैं, आप उनमें से कोई भी ब्रांड यूज़ कर सकते हैं, सभी अच्छे होते हैं। तो मिल्क पाउडर को हम धीरे धीरे मिक्स करेंगे दूध में। फ्लेम हम बिल्कुल लो रखेंगे और लो फ्लेम पर ही हम ये मिक्सचर को पकाएंगे। तो धीरे धीरे स्पून से कंटिन्यूसली चलाते हुए हम इसे पकाएंगे। आप देख सकते हैं ये जो मिक्सचर है धीरे धीरे गाढ़ा होने लगा है। इसी तरह से हमें इसे चलाते हुए पकाते जाना है ताकि ये जो मिक्सचर है पैन के तले में ना चिपके और जल ना जाए। तो इसे हम लगातार चलाते हुए इस तरह से पकाएंगे। मिक्सचर जो है वो धीरे धीरे गाढ़ा होता जाएगा। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक ये बिल्कुल स्मूथ ना हो जाए और ये पैन ना छोड़ने लग जाए। इसे हम लगातार चलाते हुए इस तरह से पकाएंगे। बहुत ही आसान है और एकदम झटपट बन जाती है ये बर्फ़ी। तो आप देख सकते हैं ये जो मिक्सचर है मिल्क पाउडर दूध और घी का, ये पैन छोड़ने लग गया है। तो ये हमारा मिक्सचर अच्छी तरह से पक गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप चीनी। आप चाहें तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 1/4 कप चीनी इतने मिक्सचर के लिए परफेक्ट है, क्योंकि जो मिल्क पाउडर है वो भी हल्की सी मीठी होती है। तो चीनी को भी हम इस मिक्सचर में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 6 से 8 बूंदे वनीला एसेंस की। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अगर आप वनीला एसेंस ना डालना चाहें तो आप यहाँ पर इलायची का पाउडर डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और लो फ्लेम पर पकाएंगे। ये देखिए सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं और मिक्सचर हमारा कुछ इस तरह का हो गया है। चीनी डालने के बाद ये मिक्सचर थोड़ा सा पतला हो जाता है, तो हम इसे थोड़ी देर के लिए पकाएंगे ताकि ये मिक्सचर वापस थोड़ा सा ड्राई हो जाए। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल स्मूथ सा मिक्सचर हमारा बन गया है। तो अब हम इसमें लास्ट में ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कोको पाउडर और इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम हमें बिल्कुल लो रखना है, इस मिक्सचर को हमें लो फ्लेम पर ही पकाना है, फ्लेम बिल्कुल हाई ना करें। तो ये देखिए धीरे धीरे जो कोको पाउडर है उसे हम सारे मिक्सचर में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये मिठाई बनाना बहुत ही आसान है, एकदम झटपट 10 मिनट के अंदर ये मिठाई बन जाती है। ये देखिए कोको पाउडर अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और आप देख सकते हैं इसमें थोड़ी सी शाइन भी आ गई है, घी अलग होने लगा है। तो इसका मतलब है ये जो हमारा मिक्सचर है बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल रेडी हो गया है हमारा ये बर्फ़ी का मिक्सचर। ये देखिए हम थोड़ा सा चेक भी कर लेते हैं इसे। तो हम क्या करेंगे, मिक्सचर का थोड़ा सा टुकड़ा एक हम लेंगे हाथों में और इसे हम इस तरह से शेप देंगे। आप देख सकते हैं ये मिक्सचर हाथों में चिपक नहीं रहा है, ये शेप ले रहा है, आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब है हमारा जो मिक्सचर है बिल्कुल सही है, बिल्कुल रेडी है हमारा ये बर्फ़ी का मिक्सचर। तो अब हम तुरंत गैस ऑफ कर देंगे और इसे हम जो हमने कंटेनर ग्रीस करके और उसमें बटर पेपर लगा कर रखा था उसमें हम डालेंगे।
तो ये देखिए, यहाँ मैंने कंटेनर में ड्राई फ्रूट्स ऐड करके रखे थे। अब हम इसमें डाल देंगे बर्फ़ी का मिक्सचर और इसे हम इस तरह से प्रेस करके इसका जो ऊपर का सरफेस है स्मूथ कर लेंगे। स्पैचुला या स्पून से इस मिक्सचर को हम स्मूथ कर लेंगे इस तरह से। तो जब मिक्सचर बिल्कुल स्मूथ हो जाए तो अब हम इसमें ऊपर से डेकोरेट कर देंगे कटे हुए ड्राई फ्रूट से। चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट्स मैंने दोनों तरफ ऐड किए हैं, नीचे और ऊपर, ताकि बर्फ़ी दोनों तरफ से सुंदर लगे देखने में। फेस्टिव लुक देने के लिए आप इसके ऊपर चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ इस बर्फ़ी को सिंपल ही रख रही हूँ। और अब हम क्या करेंगे, इस ड्राई फ्रूट्स को हम थोड़ा सा इस तरह से प्रेस कर देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए बर्फ़ी के ऊपर। आप देख सकते हैं देखने में काफ़ी सुंदर लग रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इस मिक्सचर को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे ताकि ये ठंडा होकर सेट हो जाए। तो आप इसे रूम टेम्परेचर पर भी ठंडा कर सकते हैं 2-3 घंटे के लिए, या फिर इसे आप फ्रिज में रख सकते हैं 1 घंटे के लिए। तो ये देखिए, जो हमारा मिक्सचर है बर्फ़ी का, ये पूरी अच्छी तरह से सेट हो चुका है। अब हम इसे केक टिन से निकाल लेंगे। ये देखिए, मिक्सचर को मैंने निकाल लिया है केक टिन से। अब इसका बटर पेपर हम निकाल लेंगे। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया चॉकलेट बर्फ़ी बनी है। अब हम इसे कट कर लेंगे। जितना बड़ा पीस आपको चाहिए उस हिसाब से बर्फ़ी को कट कर सकते हैं। मैं यहाँ स्क्वायर शेप की बर्फ़ी कट कर रही हूँ। आप इसे डायमंड शेप में भी कट कर सकते हैं, या जिस तरह का शेप आपको चाहिए आप उस शेप में इसे कट कर सकते हैं। तो दोस्तों, रेडी है हमारी चॉकलेट बर्फ़ी। एकदम बढ़िया मार्केट जैसी चॉकलेट बर्फ़ी बनकर रेडी हो गई है। देखने में जितनी टेस्टी लग रही है, खाने में उससे बहुत ज़्यादा टेस्टी है। बिल्कुल झटपट ये बर्फ़ी बनकर रेडी हो जाती है। एक बर्फ़ी मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत ही सॉफ्ट, एकदम मुलायम, मुंह में जाते ही घुल जाने वाली बर्फ़ी बनी है। इसमें मावा या चाशनी बनाने का भी कोई झंझट नहीं है, बिल्कुल इंस्टेंटली ये बर्फ़ी बन जाती है। बच्चे हो या बड़े, इसे खाना बहुत पसंद करते हैं। तो आइए बच्चे से ही पूछ लेते हैं कि उसे ये बर्फ़ी कैसी लगी। तो व्यूअर्स, ये है मेरा छोटा बेटा, तो ये आज रिव्यू करके बताएगा कि ये चॉकलेट बर्फ़ी से कैसी लगी। इन्हें तो बर्फ़ी बहुत अच्छी लगी। तो दोस्तों, आप भी ये बर्फ़ी ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिए बर्फ़ी, और इस बर्फ़ी के साथ त्योहारों का मज़ा लीजिए। मेरी तरफ से दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं आप सभी को। मिलते हैं मेरी ऐसी ही आसान सी और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।